आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन इज पी क्यू आर एस टी वी एंड डब्ल्यू आर सेवन फ्रेंड स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल। ईच ऑफ देम स्टडीज इन डिफरेंट स्टैंडर्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड फोर्थ टू टेंथ, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ओके, ईच ऑफ देम हैज फेवरेट सब्जेक्ट फ्रॉम English, Science, History, Geography, Mathematics, Hindi and Sanskrit, not necessary in the same order. So basically हमसे कहा जा रहा है कि 7 students हैं जो कि स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये तो फिक्स है। तो सबसे पहले हम एक कॉलम बना लेंगे स्टूडेंट्स का, कौन कौन स्टूडेंट्स है, P, Q, R, S, T, V and W, ठीक है, ये हमने बना लिया। अब यहाँ पर हम एक कॉलम्स क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हमने कॉलम्स क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, फेवरेट सब्जेक्ट और स्टैंडर्ड की, तो दो कॉलम्स बना लेंगे, एक तो हो गया स्टैंडर्ड के लिए और एक हो गया फेवरेट सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हो गए स्टूडेंट्स, ये हो गया स्टैंडर्ड, राइट है, तो ये क्या हो गया स्टैंडर्ड एंड ये हो गया फेवरेट सब्जेक्ट। सो अब इस सब सिटिंग प्लान के हिसाब से हमें इन्हें यहाँ पर बिठाना है, ओके। सो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, प्रोसीड कर। क्यू स्टडीज इन सेवेंथ स्टैंडर्ड एंड डज नॉट लाइक ईदर मैथमेटिक्स और जियोग्राफी। तो क्यू का हमें कंफर्मेशन गिवन है कि क्यू जो है सेवेंथ में है, ठीक है, तो क्यू के आगे स्टैंडर्ड में क्या आ जाएगा, फॉर श्योर सेवेंथ आ जाएगा। अब इसको ना ही मैथमेटिक्स पसंद है ना ही ज्योग्राफी, तो मैम लिखकर हम क्रॉस मार देंगे और जी लिखकर क्रॉस मार देंगे कि मैथमेटिक्स और ज्योग्राफी नहीं पसंद। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, आर लाइक्स इंग्लिश एंड डज नॉट स्टडी ईदर फिफ्थ और इन नाइन्थ। आर को क्या पसंद है, आर को पसंद है इंग्लिश, तो आर के कॉलम में सब्जेक्ट में फॉर श्योर क्या आ जाएगा, इंग्लिश आ जाएगा, और ये फिफ्थ या फिर नाइन्थ में नहीं है, ये श्योर है हमें, तो फिफ्थ लिखकर काटा मार देंगे और नाइन्थ लिखकर भी हम काटा मार देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमें गिवन है, टी स्टडीज इन एट्थ स्टैंडर्ड एंड लाइक्स हिंदी। तो टी किस में है, एट्थ में, तो टी है हमारा एट्थ में और इसे क्या पसंद है, हिंदी पसंद है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिंदी, ठीक है। द वन हु लाइक्स साइंस स्टडीज इन टेंथ स्टैंडर्ड, और जिसको साइंस पसंद है वो टेंथ स्टैंडर्ड में है, तो हमें अभी नहीं पता कि कौन टेंथ में है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर साइंस एंड टेंथ, किधर। एस स्टडीज इन फोर्थ स्टैंडर्ड, तो एस किस में है, फोर्थ में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फोर्थ, ठीक है। डब्ल्यू लाइक संस्कृत, तो डब्ल्यू को क्या पसंद है, संस्कृत, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, संस्कृत। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, दैट इज P does not study in 10th standard, कि P जो है वो हमारा 10th में नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे 10th standard तो नहीं आ सकता। Next है, the one who likes geography studies in 5th standard, जिसे geography पसंद है वो 5th standard में है। तो देखो हमारे पास क्या कहना है, कि जिसे 10th जो जिसे science पसंद है वो 10th में है, और जिसे ज्योग्राफी पसंद है वो फिफ्थ में। अब यहाँ पर टेंथ तो आ नहीं सकता, दैट मीन्स हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम फिफ्थ स्टैंडर्ड ले लेते हैं, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट ज्योग्राफी, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, ज्योग्राफी, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है, कि जिसे साइंस पसंद है वो टेंथ में है, तो इसे हम टेंथ में भेज देते हैं, और इसे क्या पसंद है, साइंस। तो अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसके हिसाब से कुछ हद तक हमारा टेबल जो है वो फिल हुआ। अब बची हुई इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, कि यहाँ पर फिफ्थ नहीं आ सकता, नाइन्थ नहीं, फिफ्थ तो हमारा फर्स्ट वाले कॉलम में कंप्लीट हो गया, तो इसको तो वैसे ही हटा दो, दो क्लासेस बची, नाइन्थ और टेंथ, टेंथ भी हमारा यहाँ पर जा चुका है, तो टेंथ को भी हम हटा सकते हैं। अब बचा क्या हमारे पास, एक नाइन्थ बचा है, तो नाइन्थ हमारा कहाँ पर आ जाएगा, फॉर श्योर यहाँ पर आ जाएगा, तो नाइन्थ हमारा कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। अब नाइन्थ आ गया, अब हमें सब्जेक्ट में देखना है, सब्जेक्ट में हमारे पास एक मैथ्स बचा है और ज्योग्राफी तो यहाँ पर आ गया, मैथ्स यहाँ नहीं आ सकता, तो यानी मैथ्स कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मैथ्स। अब एक सब्जेक्ट और बचा है हमारे पास, वो कौन सा है, यहाँ से चेक कर सकते हैं, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री, हिस्ट्री नहीं हुआ इसमें,
तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास हिस्ट्री आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से एक स्टैंडर्ड भी हमारा बचा है, कौन सा स्टैंडर्ड बचा है, हम फोर्थ टू टेंथ हमें बिठाना है, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हमारा कहीं नहीं आया अभी। दैट मीन्स कि यहाँ आर जो है वो कौन से स्टैंडर्ड में होगा, सिक्स में होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिक्स। तो अब हमारा जो टेबल है वो कम्प्लीट हो गया, तो अब हम ये बाकी की चीज़ों को हटा देते हैं, ठीक है, जिससे हमें कन्फ्यूजन ना हो। अब ये हमारा टेबल जो है पूरी तरह से कम्प्लीट हो गया, अब हम अपने क्वेश्चंस की ओर प्रोसीड करते हैं। सो द क्वेश्चन इज विच सब्जेक्ट डस पी लाइक, पी को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है हमें ये बताना है। तो पी फिफ्थ स्टैंडर्ड में पी को ज्योग्राफी पसंद है, दैट मीन्स ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन वन विल बी द राइट आंसर, दैट इज पी लाइक्स ज्योग्राफी। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।